हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। फ्रेंड्स, आप देख रहे हो कि अनुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन चल रहा है, जिसे हम हिंदी में अनुपात समानुपात कहते हैं। पहले भी मैंने बताया था कि पहले इंग्लिश में और उसके बाद में हिंदी में पूरा लेक्चर, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को बताऊँगी, जिससे कि ना हिंदी वालों को ना ही इंग्लिश वालों को कोई परेशानी हो। वैसे आप देख, क्योंकि मैं वहाँ पर अगर इंग्लिश में लिखा भी है तो मैं हिंदी का यूज़ कर रही हूँ, तो आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, दोनों लोग वहाँ देख सकते हो और दोनों लोग समझ सकते हो उससे। अच्छा, वो वीडियो आने में डिले हो रहा है, उसका रीज़न ये है कि थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा है इस कारण से। अच्छा, अब आप देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, अनुपात समानुपात। अनुपात का अर्थ होता है जैसे 2:3 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 भी लिख सकते हैं, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मिनिमम फ्रैक्शन हो गया अनुपात, यानी कि जो सबसे कम भिन्न होता है वही हो गया अनुपात। ठीक है, अनुपात का यूज़ क्या है, अनुपात का यूज़ हम मेनली बंटवारा करने में लाते हैं। ठीक है, और आगे देखें क्या है कि 2:5, 3:4, 5:6, 9:10 में सबसे बड़ा कौन है। जब भी इस तरीके का रहे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे कि इसे क्या हम करेंगे। बहुत सारे नियम हैं, वो हम आपको अभी बताते हैं। जैसे 2:5 है, 3:4, पहले तो इसे फ्रैक्शन में लिख देंगे, 3:4 हो गया, 5:6 हो गया, 9:10 हो गया। अब है तरीका इसको बनाने का, या तो हम इसके नीचे वाले पार्ट का एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने पर आ जाएगा 60। ठीक है, और इसका जो हर है, यानी ये पार्ट जो है वो हम सबका इक्वल कर दें, यानी सबका 60 कर दें, और सेम चीज़ से, यानी कि जैसे देखो आप 2/5 है ना, 5 को 12 से गुना करेंगे, यानी ये हो जाएगा 24/60। ठीक है, इसमें हम 15 से गुना करेंगे तो 45/60, इसमें हम 10 से गुना करेंगे तो 50/60, और इसमें हम 6 से गुना करेंगे तो 9×54/60। यानी सबका नीचे 60 है तो बस ऊपर देखना है, तो क्या है सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा ऊपर में 54 है, यानी ज़्यादा। अच्छा, एक चीज़ और आप ध्यान रखना, अंश अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा होगा, हर अगर ज़्यादा है तो वो कम होगा। ठीक है, अब ये 54 हो गया, क्वेश्चन ये भी कह सकता था सबसे कम तो 25 हो जाता, कहता आरोही क्रम में सजाएं तो 25, फिर 45, फिर 50, फिर 60, ये वाला ऐसे आरोही हो जाता। अवरोही यानी घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा से छोटा, तो पहले 54, फिर 50, फिर 45, फिर 25, ऐसे कर लेते। एक तो ये तरीका हो गया फ्रैक्शन में। एक और तरीका है कि आप इसको दशमलव में बना दें, तो आप ये बताइए कि 2:5, 2/5 को दशमलव में चेंज करेंगे तो 0.4 हो जाएगा, 3:4 को अगर हम दशमलव में चेंज करेंगे तो 0.75, 5:6 को दशमलव में चेंज करेंगे तो 0.83 के करीब में आएगा, और इसको अगर हम करेंगे तो 0.9 आएगा, ये आएगा। तो ऐसे में भी हम कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कितना हो गया, ये हो गया, है ना। एक तरीका ये भी हो गया कि क्या करेंगे, ऊपर में सब में 0 लगा देंगे, अब डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके जो आएगा वो सबसे बड़ा सबसे छोटा निकाला जा सकता है। तो बहुत सारे तरीका है। अब है कि A अनुपात B, 2:3 दिया है, B अनुपात C, 4:5, तो A और B और C का अनुपात निकालें। फ्रेंड्स, इसमें हम क्या करेंगे, एक तो ट्रेडिशनल मेथड हो जाता है कि हम इसका जो हर है वो बराबर करेंगे, यानी एलसीएम लेकर फिर बनाएंगे। दूसरा जो हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जो रेशियो का मैंने
आपको पहले चैप्टर बताया है उसमें बताया था कि क्या है। आप देखो ध्यान से देखो तो दो तीन है और बी और सी कितना है, चार पाँच है, ऐसे और भी हो सकते थे। तो मैंने बताया था ना आपको इसका रेशियो निकालने के लिए दो, ठीक है, दो रेशियो और इसका सेकंड वाला दो गुना चार अनुपात तीन और गुना इसके नीचे वाला चार अनुपात, अब सिर्फ लास्ट लास्ट वाला बच गया ना, तीन गुना पाँच। कितना इजी हो गया ना, ना एलसीएम निकालने का झंझट ना फ्रैक्शन बनाने का झंझट। आठ अनुपात बारह अनुपात पंद्रह, कोई दिक्कत? ओके, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। टू ए बराबर थ्री भी दिया है, इतना बराबर इतना दिया है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, रेशियो निकाल देंगे। ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा, तीन बटा दो हो जाएगा। अरे ये दो से इधर डिवाइड हो जाएगा और बी से इधर हो जाएगा, तीन बटा दो। और बी और सी का कितना हो जाएगा, चार बटा तीन। अभी आप देखो ना, ये तो और भी इजी है, यहाँ बी दो है यहाँ चार है, तो इसको भी हम चार कर लेते हैं। चार करने के लिए क्या करेंगे, दो से गुना करना पड़ेगा, यानी कि तीन दुना छः, छः अनुपात चार अनुपात तीन हो गया, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोलह अनुपात बयालीस अनुपात बत्तीस अनुपात ए, सॉरी सोलह अनुपात बयालीस समानुपात बत्तीस अनुपात एक ए हो तो ए का वैल्यू निकाला है, यानी कि ऐसे कर सकते हैं, सोलह बटा बयालीस बराबर बत्तीस बटा ए दो, ए बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा चौरासी। ओके, अगला क्वेश्चन, पंद्रह बीस पैंतालीस का चतुर्थांश, अच्छा चतुर्थानुपाती, वही समानुपात होता है, चतुर्थानुपाती और कुछ नहीं होता। समानुपात क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है, ठीक है, तो उसे आप लोग कंफ्यूज उसमें मत होइए आप लोग, ठीक है। तो पंद्रह बट्टा बीस बराबर पैंतालीस बटा ए, ए का वैल्यू निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नौ और सोलह का मध्यानुपात क्या है। मध्यानुपात क्या होता है, जो आपको याद है मैंने जो डुप्लीकेट्स बताया था वही होता है मध्यानुपात, सॉरी सब डुप्लीकेट्स जो बताया था। तो नौ गुना सोलह, नौ और सोलह का है ना, तो नौ गुना सोलह कर देंगे, उसका अंडर रूट कर देंगे, ये हो गया उसका मध्यानुपात, यानी नौ और सोलह। इसे या तो मल्टीप्लाई करके आप बना लो, नहीं तो थ्री का स्क्वायर ये है, ऐसे लिख सकते हैं थ्री का स्क्वायर गुना चार का स्क्वायर, जब रूट अंडर होगा तीन गुना चार, तीन गुना चार हो जाएगा, यानी कि बारह हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, पैंतालीस रुपये को ए और बी में दो अनुपात तीन के अनुपात में बांटना है, तो बी की राशि, अच्छा आप ये देखो अनुपात की जो राशि है कुल राशि और ये अनुपात की कुल राशि, अगर ये दोनों को जोड़ दें तो बराबर हो जाएगा, यानी पाँच यूनिट बराबर पैंतालीस सौ, तो एक यूनिट बराबर क्या हो जाएगा नौ सौ, तो ए का निकालना होगा तो नौ दूना अठारह और बी का निकालना होगा तो नौ तीन सत्ताईस सौ, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है, कुल धनराशि राम श्याम और मोहन तीन अनुपात चार अनुपात पाँच के अनुपात में बांटी जाती है, यदि श्याम को पच्चीस बारह सौ रुपया मिलता है तो राम को कितना मिलेगा, मतलब एक कोई प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को राम श्याम और मोहन में थ्री इज टू फोर इज टू फाइव रेशियो में बांटा जाता है, तो कह रहा है कि श्याम के हिस्से का क्या है, चार यूनिट है ना, अगर 1200 यानी 1200 है तो सबका निकालना है। अब चार यूनिट बराबर यानी फोर यूनिट इक्वल्स टू 1200, तो एक निकल जाएगा 300, एक 300, तो राम का तीन यूनिट है ना यानी 900 900 और मोहन का फाइव यूनिट है यानी कि 1500 निकल जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति के पास 280 मीटर लकड़ी का टुकड़ा है, यानी इफ़ अ मैन हैव 280 मीटर वुडन वुड, ओके, यदि छोटे भाग की लंबाई बड़े भाग का 75% है, इफ स्मॉलर इज 75% ऑफ द बिगर वन, देन फाइंड द
स्मॉलेस्ट पार्ट, ओके कह सकते हैं इसे। आप बताओ छोटा पार्ट 75% है, बड़ा 100 है ना, यानी 3:4 के रेशियो में आ गया। टोटल क्या हो गया, 7 यूनिट, 7 रेशियो ना, तो 7 यूनिट। टोटल 280 है, तो 7 यूनिट्स इक्वल्स टू 280, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 40। 1 जब 40 हो गया तो छोटा वाला कितना है, 3 यूनिट, यानी कि 120 हो जाएगा, 120 मीटर। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात है, यानी इफ द एंगल ऑफ ऑफ अ ट्राइंगल इज इन 2:3:5 देन फाइंड द बिगर एंगल, ओके। अब बताओ जो किसी भी ट्रायंगल के सारे कोणों का जो यानी एंगल्स का जो एडिशन होता है वो कितना होता है, 180 होता है। 2, 3, 5 ऐड करेंगे तो 10 यूनिट, 10 यूनिट इक्वल्स टू, अगर 180 है तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 18 हो जाएगा, तो बिगर वन निकालना कर रहा ना, 5 यूनिट्स इक्वल्स टू 90 डिग्री, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति के पास थैली में 1 रुपये तथा 50 रुपये के सिक्के का अनुपात 3:4 है, यानी इफ विद अ मैन इन अ बॉक्स और इन अ पाउच ही हैव 1 रुपीज एंड 50 रुपीज क्वाइंस इन द रेशियो 3:4, यदि कुल राशि 45 रुपया 50 पैसा है, इफ द टोटल अमाउंट इज 45 रुपीज एंड 50 पैसे देन फाइंड क्वाइंस, ओके ये निकालना कह रहा है। अब आप ये बताओ 1 रुपया 50 रुपये के सिक्के का अनुपात कितना है, 3:4, ठीक है, और 3:4 बराबर है तो दिया हुआ है 45 रुपया, यानी दोनों ऐड करेंगे तो 5 यूनिट, 5 यूनिट इक्वल्स टू 45 रुपीज, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 9 रुपीज। अब ध्यान देना ये सिक्कों की संख्या है, अमाउंट की नहीं। अब एक सिक्का 1 रुपये का और एक सिक्का अगर 50 पैसे का है तो 2 सिक्का अगर 50 पैसे का मिलेगा तब 1 रुपया बनेगा ना, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना है, तो 1 यूनिट बराबर तो 9 हो गया, 50 पैसे के सिक्के हैं कितने, 4 यूनिट है क्या, सॉरी ये तो 2 यूनिट है ना, सॉरी ये क्या है, सिक्कों का अनुपात। तो यहाँ पर हमारे पास तो 45 रुपीज़ वैल्यू है ना, अगर 4:1 में है सिक्का तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि वो 50% होता है 1 रुपये का, तो 2 हो जाएगा। तो आप ये बताओ कि अगर ए का वैल्यू 9 आ गया तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी हो जाएगी, अगर अमाउंट निकालने का था तब तो 2:0, ये यहाँ पर है ना 2, तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 9, तो 2 यूनिट इक्वल्स टू 18, यानी 18 रुपया, 18 रुपीज़ आ गया ये, क्योंकि हम वैल्यू इसका लेकर चल रहे थे, 2 हमने कर दिया था। तो यहाँ सिक्कों की संख्या निकालना है, तो सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 18 रुपये है तो 36 कॉइन्स। अगला क्वेश्चन, एक किसान के पास कुछ गायें कुछ मुर्गे हैं, ओके, इफ अ फार्मर हैव सम काउज एंड सम हेंस, इफ द नंबर ऑफ हेड्स इज 48 एंड द नंबर ऑफ लेग्स इज 120 देन फाइंड द नंबर ऑफ काउज, ओके ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स आप ये बताओ गाय के कितने पैर होते हैं, 4, और मुर्गे के 2, ओके, और गाय का सिर कितना होता है, 1, मुर्गे का भी सिर 1। तो आप ये बताओ सिर का संख्या 48 है, ठीक है ना, सिर का संख्या 48 है तब तो ये तो वही रह जाएगा, उसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। पैर का संख्या डबल है, पैर का जो संख्या है वो मुर्गे से दुगना हो जाएगा इसका गाय का संख्या है ना, तो हम ऐसा करते हैं डिफरेंस जो है पैर का डिफरेंस, पहले आप ये देखो सिर कितने, 1-1, पैर कितने, हम टोटल पैर 2 मान लेते हैं या फिर 4 भी मान सकते थे, उसमें कोई दो मत नहीं है, पर हम क्या करते हैं टोटल पैर 2 मान लेते हैं। अगर टोटल पैर 2 हो गया तो 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना, टोटल पैर 2, तो ऐसे 120 बोल रहा है
यानी कि उस अनुसार से 120 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 60 हो जाएगा। सिर का संख्या अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास निकल जाएगा। अच्छा अब आप ये देखो, ये 48 माइनस करने पर 12 बच गया, तो ये जो निकल गया ये क्या निकल गया, इतनी गाय का संख्या निकल गया। ये तो हो गया ट्रिक, मतलब हम ऐसे भी कर सकते थे, चार ले लेते, ठीक है ना। हम क्या करते, चार ले लेते अगर सबकी संख्या, तो 30 हो जाता, 18 एक्स्ट्रा हो जाता, सिर तो 18 एक्स्ट्रा हो जाता ना, तो 18 एक्स्ट्रा हो जाता, और पैर दो कम ले लिया तो 18 दूना 36। इस तरीके से करके हम बनाते। अभी आप इस मेथड से भी समझ लो, आप ये बोलो सिर का संख्या जो है उसको अगर दोगुना कर देते हैं और पैर की संख्या आधा कर देते हैं तो इनका जो अंतर होगा दो पैर वाले जानवर की संख्या बताता है, ठीक है। सिर की संख्या हमने क्या किया, डबल कर दिया, पैर की संख्या क्या कर दिया, हाफ कर दिया, ओके। तो जो डिफरेंस होगा वो दो पैर वालों की संख्या को बताएगा, यानी कि सिर का संख्या हमने 96 कर दिया और दो ही पैर ले लिया, दो दो ही हम ले रहे हैं, दो पैर वाला कहीं ले लिया तो कितना हो जाएगा, 120 बाई 2 यानी कि 60। तो 36 जो हो जाएगा, ये 36 क्या हो जाएगा, मुर्गे की संख्या हो जाएगा, है ना, ये मुर्गा का संख्या हो जाएगा। तो गाय का संख्या कितना होगा, 48 माइनस 36 यानी कि 12। देख लिया, इससे भी वैसे ही बना सकते थे। यहाँ हम क्या करते, मान लेते कि सारा जितना भी हमारे पास जानवर है ना वो सारा का सारा क्या है, गाय है। हम मान लेते, अभी हमने क्या किया, मुर्गा मान लिया ना, अभी हम मान लेते सारा गाय है, ओके। सारा गाय का मतलब कि चार पैर उसके होंगे, ठीक है। तो 120 बाई 4 करते तो कितना हो जाता, 30 हो जाता, और सिर का संख्या कितना है, 48। तो 48 में से अगर हम 30 माइनस कर देते तो अंतर कितना आ जाता, 18 का अंतर आ जाता, है ना, 18 का अंतर आ जाता। पैर हमने कितना माना है, पैर कितना माना है हमने, पैर तो हमने माना है चार ना, चार हम मानकर चल रहे हैं, पर एक और संख्या क्या है, मुर्गे के पैर का संख्या क्या है, दो है, तो हम इसका क्या करते, डबल कर देते तो 36 हो जाता, यही इसका आंसर हो जाता। आगे और भी क्वेश्चन देखेंगे उससे समझ में आएगा, अभी तो स्टार्टिंग ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 6500 रुपये की राशि को PQR में 1:2, 1:3, 1:4 में बांटा जाता है तो P की राशि कितनी होगी। अच्छा आपको पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था 1:2 है, इसका मतलब सबसे पहले तो हम इनका क्या करेंगे, LCM ले लेंगे, 12 हो जाएगा। अगर 12 हो जाएगा तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं, नीचे 6 से गुना, ऊपर 6 से गुना, यानी 6:4:3 सॉरी 3 हो जाएगा। वन मिनट, बारिश होने लगी है। कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 7:9 हो जाता है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। एक तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी कल मैंने बताया था आप लोगों को। चलो इस तरीके से देख लेते हैं कि क्या है, इनको क्या है, 3 अगर हम रेशियो में ए मान लेते हैं तो 3a/4a हो जाएगा, +5 +5 करेंगे तो बराबर 7:9 हो जाएगा, है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा, इसमें a का वैल्यू आ जाएगा, और a का वैल्यू आने पर a का वैल्यू आ जाएगा कितना, 10 आ जाएगा, तो सबसे छोटी संख्या 3a यानी कि 30 निकल जाएगा। इसके अलावा जो मेथड मैंने कल बताया था वो ये था कि उसके अलावा एक मेथड ऐसे आप कर सकते हो कि क्या है, रेशियो दिया हुआ, देखिए आप 3:4 है ना, 3:4, और 5 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 7:9। कल आपको मैंने बताया था कि डिफरेंस सबसे पहले हम बराबर करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस 1 है, इनके बीच का 2 है, तो डिफरेंस बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6:8, 7:9 हो जाएगा,
फ्रेंड्स ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, आप चाहो दो चार बार जब प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा, और डिफरेंस बिल्कुल हमेशा कोशिश करना कि बराबर आ जाए जिससे कि सॉल्व करने में आसानी हो। इतना कैलकुलेशन हमें नहीं करना पड़ेगा, आप अभी देखोगे। ठीक है, कितना बढ़ गया, एक यूनिट ज़्यादा हो रहा है। एक यूनिट ज़्यादा का मतलब है कितना जोड़ा जा रहा है, पाँच जोड़ा जा रहा है। ठीक है, यानी एक यूनिट बराबर पाँच है तो आप देखो क्या निकालने का रहा है, छोटी संख्या यानी छः यूनिट। छः यूनिट बराबर पाँच गुना छः, तीस हो गया। हो गया जवाब, आगे देखते हैं हम। 40 लीटर के नमक और पानी के मिश्रण 2:3 में है तो मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है। बहुत ही ईजी है ये, 2:3 में है तो 5 यूनिट टोटल हो गया, 5 यूनिट तो 1 यूनिट बराबर 8, तो किसकी मात्रा, पानी की मात्रा, पानी तो 3 है यानी कि 24। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उनका गुणनफल 96 है तो संख्या क्या होगा। आप ध्यान रखेंगे, आप ऐसा ना करो कि 2 × 3 6 कर दे और 6 यूनिट बराबर हो गया, नहीं, एडिशन में तो हम जोड़ देते थे, पर आप देखो ना कि रेशियो क्या होता है, मिनिमम नंबर होता है, मिनिमम फ्रैक्शन होता है, यानी कि उन दोनों में किसी एक नंबर से ऑलरेडी मल्टीप्लाइड होता है। जैसे हम यूनिट मानते हैं तो यूनिट दोनों में होगा, यूनिट यूनिट यानी यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इसने क्या किया कि ए ले लिया तो 2a ले लिया और 3a ले लिया, यानी कि 6a² हो गया 96, a² = 16, a बराबर कितना हो गया 4, a 4 हो गया तो b कितना हो जाएगा, सॉरी a 4 हो गया ना, a का वैल्यू 4 हो गया तो नंबर हो जाएगा 4 × 2 और 4 × 3 यानी 8 और 24 हो जाएगा नंबर। अगला देखते हैं हम, एक्स और वाई का रेशियो अगर 7:5 है तो x² + y² + x² - y² ठीक है, बहुत ही इजी है। फिर जब सब में बराबर है ना, डिवाइड करना है तो 7² कर देंगे 49 + 25 और बट्टा 49 - 25 74 और बट्टा 24 आ जाएगा, जब 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 37 / 12 का रेशियो। अगला भी बिल्कुल सेम ही है, P और Q का रेशियो दिया हुआ है तो P² और Q² तो P² + 3² / 5 सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो बर्तनों में पानी का अनुपात 3:2 है और 4:1 है। ठीक है, यदि इन दोनों बर्तनों को मिलाकर तीसरे बर्तन में डाल दिया जाए तो नमक और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा, पहले भी मैंने बताया। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, आप इंग्लिश में समझो, इन अ 2 कंटेनर द रेशियो ऑफ वाटर इज 3:2 4:1 इफ वी मिक्स बोथ मिक्सचर इन अनदर कंटेनर देन फाइंड द रेशियो ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। ओके, अब आप देखो कि 3:2 के अनुपात में है नमक और पानी, है ना, और इसमें क्या है 4:5 के अनुपात में। हमने बताया था इस मेथड को तो हम समझेंगे, ये मेथड समझेंगे, पर इसके अलावा आप याद करो वो मेथड, आपको याद है जो मैंने बताया था, वो क्या था, 3:2 है। अब आप ध्यान दो, 3:2 4:1 ये दोनों मिलाकर भी 5 हो गया, ये दोनों मिलाकर भी 5 हो गया, यानी जो टोटल मिश्रण है यानी कि मिक्सचर जो है उसका क्या है, वेट सेम है, अनुपात सेम है। तो ऐसे सेंस में हम क्या करेंगे, ऐसे सेंस में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों मिक्स ही कर रहा है ना, तो ऐड कर देंगे तो पानी और नमक का अनुपात हो जाएगा 7:3। बहुत ही सिंपल मेथड। ओके, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक दर्पण व्यापारी के पास एक दर्जन कांच के शीशे हैं, यानी इफ बिजनेस मैन ही हैव 1 डजन ऑफ ग्लासेस
गलती से शीशे का बॉक्स नीचे गिर गया. इफ द बॉक्स ऑफ ग्लासेस हैव फॉलन डाउन देन कौन सा अनुपात टूटे हुए और बिना टूटे हुए टुकड़े का नहीं हो सकता. तो टूटे हुए और बिना टूटे हुए टुकड़े का अनुपात कौन सा नहीं हो सकता, इसको हम ऑप्शन से देखेंगे. ठीक है, और कोई उपाय नहीं है, सिर्फ ऑप्शन से देखेंगे. अब आप ये बताओ उसके पास कितने हैं, एक दर्जन कांच के शीशे है ना, यानी जब भी अनुपात आएगा तो जो भी रहेगा जिस भी अनुपात में रहे, अगर दोनों अनुपात को टूटे हुए और बिना टूटे हुए को जोड़ेंगे तो उससे 12 डिवाइड होना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो एक दर्जन है उसके पास. तो देखिए, 2:1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से तो 12 कट जाता है. 3:1 यानी 4, 4 से भी 12 कट जाता है. 5:1 यानी 6 से भी 12 कट जाता है. 6:1 7, क्या 7 से 12 कभी कटता है? नहीं, तो ये नहीं हो सकता. अगला क्वेश्चन, ए बी का अनुपात दिया है, बी सी का अनुपात दिया है, तो ए और सी का अनुपात निकालना है. सेम प्रोसेस जो उस दिन बताया था, 3:4 है, 8:9 है. ए बी सी का पहले आप अनुपात निकाल लो, है ना. निकालने में क्या करेंगे, 3 ये और गुना ये पहले करेंगे, 3:8 अनुपात 4:8 अनुपात 4:9. ठीक है, यही है ना, कितना हो गया, 24:32:36. यानी 4 से तो कट सकता है ये, 6:8:9 का अनुपात हो गया. तो ए अनुपात सी का अनुपात, तो 6:9 यानी इसको भी कट कर दे तो 2:3 ये हो जाएगा आंसर. अगला देखेंगे क्वेश्चन, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात ए दिया हुआ है. तो सबसे पहले तो हम इसका क्या करेंगे, अनुपात निकाल लेंगे. अब तक तो फ्रेंड्स आपको अनुपात निकालना आ गया होगा, जो मैंने मेथड बताया था x1 y1 x2 y2 वाले मेथड से, चाहे 10 भी दिया रहे तो भी उसका अनुपात निकल जाएगा. अब है कि जब ए अनुपात बी अनुपात सी जब निकल जाए, तो वैसे ये निकल कर आया तो ए प्लस बी प्लस सी बटा सी कर रहा है, तो ए तीनों को ऐड कर देंगे और बटा सी 7 है, 7 आ जाएगा आंसर. ये देखो ये बिल्कुल ही इजी है, ए बराबर बी गुना इतना कर रहा है, तो बी को इधर कर देंगे तो ए बटा बी ये हो जाएगा, बी बटा सी ये हो जाएगा. तो ए अनुपात सी निकालना कर रहा है भाई, जब यहाँ पर अनुपात दे रखा है तो ए बी सी का अनुपात निकाल देंगे जो कि ये आएगा. तो ए अनुपात सी कितना हो जाएगा, 20:10 यानी 2:1. अगला क्वेश्चन, ए बी बी सी का अनुपात, सी डी का अनुपात दिया है, तो ए डी का निकालना कर रहा है. फिर से बिल्कुल सेम जो मैंने आपको नियम बताया था, नियम ये एक बार मैं लास्ट बार बता देती हूँ, ध्यान रखना आप प्लीज. ए बी है ना, बी सी सब दिया, छोड़ो ये नहीं लिखती, 5, 7, 8, 9 ऐसे है ना. देखो आप ध्यान से देखना इसको, पहले क्या करेंगे, इन तीनों को गुना, 3:5:8 अनुपात. अब इसका सेकंड वाला और बाद बाकी का लास्ट वाला, 4:5:8 अनुपात. इसका सेकंड यानी 7, इसका सेकंड 4 और इसका लास्ट 8 अनुपात, सभी का लास्ट ये. अब देखेंगे किसमें क्या कॉमन है. जैसे देखो
चार तो सभी में है, यहाँ दो कट गया, पांच सब में नहीं है, तो क्या आ जाएगा? 30, 3 × 5 = 15, 2 = 30 अनुपात 40 अनुपात 8 × 7 = 56 अनुपात 9 × 7 = 63 आ गया। ये जो है ये आ गया ना। अब ए अनुपात डी यानी 30 अनुपात 63 यानी 10 अनुपात 21। अगला क्वेश्चन, ए अनुपात बी दिया हुआ है, ओके सॉरी ए, हाँ यहाँ पर देखो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ए अनुपात बी दिया हुआ है 2/9 / 1/3। तो अब ध्यान दो, ए बटा बी को मैं ऐसे लिख सकते हैं ना, 2/9 / 1/3। फ्रैक्शन का आपने ध्यान दिया होगा, पढ़ा होगा, ये नीचे वाला क्या ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है और ये इसका ऊपर इसका नीचे वाला रह जाता है, यानी 2 × 3/9 × 1 यही रह जाता है ना। ये दोनों जब ए ऐसे दिया ना, ए बटा बी बटा सी बटा डी, तो फॉर्मूला वो क्या हो जाता है, फ्रैक्शन ए गुना डी बटा बी गुना सी, ये है। तो ऐसे करके हमने ए अनुपात बी निकाल लिया, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी निकाल लिया। अब ए अनुपात बी अनुपात सी जैसे नॉर्मल मेथड से हम निकालते हैं निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 16 और 24 का तृतीय अनुपात क्या होगा, ठीक है, 16 और 24 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तो ये इसके कहने का मतलब है कि ये ऐसे है, इस x का वैल्यू निकालना है, ओके। इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि 16:24 है और 24:x, तो x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू हम नहीं निकाल लेंगे, x बराबर 24 × 24 और इस 16 नीचे आ जाएगा 16, सॉल्व कर देंगे जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 36 आ गया वैल्यू, ओके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या किसी संख्या जोड़े की नई संख्या 3:3 इतना में प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़े की नई अनुपात 3:4 आ जाए। ऐसे ही बना सकते हैं, पर फ्रैक्शन इतना क्या सॉल्व करना, इतना टाइम किसके पास है कंपटीशन में। अब ऐसे करते हैं, 3:5 फाइनल कितना हो जा रहा है, 3:4। अच्छा फ्रेंड्स ये बताओ, जब संख्या जुड़ रहा है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए, होना चाहिए ना। यहाँ डिफरेंस 2 है, यहाँ 1 है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ 1 से और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3:5 और 6:8। अब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 2 हो गया। अच्छा अब बताओ आप कि पूछ रहा है कि क्या संख्या जोड़े, तो क्या संख्या जुड़ रहा है पहले वाले और लास्ट वाले में, 3 जुड़ रहा है, 5 से 8 3 से 6 यानी 3 जुड़ रहा है, यानी कि संख्या कितना जोड़ेंगे हम, 3 जोड़ेंगे, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, यदि उनका योगफल 240 है, 2 numbers are in the ratio of 1:3 and if their sum is 240, find the difference। तो sum, इनका sum कितना हो जाएगा, sum यानी कि addition, 4 यूनिट बराबर अगर 240 है और इनका डिफरेंस कितना है, 3 और 1 का डिफरेंस 2 होता है ना, तो 2 यूनिट बराबर नहीं निकल जाएगा, 120, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, 2 numbers are in the ratio 3:4 एंड LCM जो है वो 84 है एंड दियर LCM इज 84, देन फाइंड द नंबर। अच्छा फ्रेंड्स आप ये बताओ कि उनका LCM जो है, कोई संख्या मान लो हम क्या करते हैं, LCM मतलब उसका एक कॉमन नंबर होता है ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हमने ए मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, हमने क्या किया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ए मान लिया,
इन दोनों का मल्टीपल कितना हो जाएगा, 12 गुना ए बराबर 84। ए का वैल्यू निकल जाएगा, नंबर निकल जाएगा, टोटल सम निकल जाएगा ना, ए का वैल्यू निकल गया 7। ओके, तो टोटल कितना हो गया, क्या निकालना कह रहा है, बड़ी संख्या यानी कि 4, तो 4 × 7 = 28। अगला क्वेश्चन, दो प्राकृतिक संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, उनका गुणनफल 2160 है। टू नेचुरल नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5 एंड द मल्टीप्लीकेशन इज 2160, देन फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन है ना, तो 3a ये भी है, 5a ये भी है, यानी कि 15a² हो गया, पहले भी बताया इसको, 15a² = 1660। तो a² = 144, तो a का वैल्यू हो जाएगा 12, तो छोटी संख्या 12 × 3। अगला हम देखेंगे, वह कौन सी बिंद है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 के साथ है। ठीक है, यानी कि फाइंड द फ्रैक्शन विच इज द इन द सेम रेशियो ऑफ 1/27 एज 3/11 एंड 5/9। ओके, तो आप ये बताओ, 3/11 के साथ 3/11 और 5/9 का रेशियो हम जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई और ये दोनों मल्टीप्लाई, यानी कि 27/15 आ जाएगा ना, 27/15। अच्छा, इसका फ्रैक्शन हम क्या कर सकते हैं, अभी देखो सेम नंबर नहीं आता तब तो दूसरे तरीके से यूज करते, लेकिन अभी हमारे पास सेम नंबर 27 आ गया, तो 1/27 अगर करें, 1/27 इसका भी रेशियो करें तो 1/55 आ जाएगा, यानी कि दैट जो फ्रैक्शन निकालने का रहा है वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/55 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का मिश्रण 5:3 और 2:3 है, मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाएगा, यानी नया मिश्रण कितना कर रहा है, 1:1 हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। ठीक है, पहले भी बताया कि कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे देखेंगे। अच्छा, आप ये बताओ, या तो सिर्फ दूध दूध हम ले लेंगे या पानी पानी ले लेंगे, यहाँ पर कुछ मिक्सअप नहीं कर रहा, पूरा का पूरा अमाउंट मिला करके ही कर रहा है, तो ऐसा करेंगे, सिर्फ मान लो कि हम दूध ले लिए तो 5, और टोटल कितना हो गया, 5 × 3 = 8। दूसरे दूध का अनुपात हम ले लेंगे 2/5, और फाइनल कितना हो रहा है, 1:1 में ना, तो 1/2। ओके, 1/2 को हम बीच में ले लेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखिए, 1/2 माइनस ये वाला 2/5, ये एक साइड में, और दूसरी साइड में क्या ले लेंगे, 5/8 माइनस 1/2। ओके, ये ले लेंगे, जब सॉल्व करेंगे 10 एलसीएम हो जाएगा, 5 − 4 यानी 1/10, और इधर से 8 एलसीएम हो जाएगा, 5 − 4 यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ देखो आप ध्यान से, 1/10 और 1/8 हो जाएगा, जब हम रेशियो निकालेंगे तो 8:10 यानी कि 4:5 हो जाएगा, है ना, यही 4:5 आंसर हो जाएगा। ओके, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोना पानी से 19 गुना भारी है, सोना कितना है पानी से 19 गुना भारी है, और तांबा जो है यानी कि और तांबा जो है वो 9 गुना भारी है। ठीक है, ठीक है, अब कह रहा है कि किस अनुपात में मिला है कि धातु का मिश्रण 15 गुना भारी हो जाए, यानी कि गोल्ड इज 19 times of वाटर एंड कॉपर इज 9 times ऑफ वाटर, देन आफ्टर मिक्सिंग दिस टू मिक्सर्स द मिक्सर बिकम्स 19 times ऑफ वाटर, देन फाइंड इट्स रेशियो। ठीक है,
तो 19, 9 और 15, जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 6, इससे इसको माइनस करेंगे तो 4, यानी 3:2 के अनुपात में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 15 गुना भारी हो जाएगा। तीन संख्याएं क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में है, पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या के 52 गुने के बराबर है, यानी कि थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4:5। फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, द समेशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज इक्वल्स टू 52 मोर देन सेकेंड नंबर, देन फाइंड बिगेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर। अब ये बताओ रेशियो इतना है, ठीक है, पहली और तीसरी संख्या का योग यानी कि 8a कर सकते हैं, 8a बराबर कितना, 4a से 4a प्लस 52 है ना, 4a इक्वल्स टू 52, a इक्वल्स टू 13, ठीक है, देन फाइंड लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर क्या है, लार्जेस्ट तो यहाँ पर 3:5 है, यानी कि 13:5 हो जाएगा आंसर इसका 65। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि तीन संख्याएं 5:6:7 के अनुपात में, थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6:7, यदि इन संख्याओं का गुणनफल 5670 है तो बड़ी संख्या निकाले। आप ये बताओ तीन संख्या का गुणनफल हो रहा है, यानी तीन यूनिट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 210 और a क्यूब बराबर 27, a बराबर 21 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक संख्या 40% है दूसरी संख्या का के 3:5 के बराबर, यानी एक संख्या का 40% को 2/5 लिख सकते हैं, इक्वल्स टू b का 3/5, a:b निकल जाएगा, a:b क्या हो जाएगा, 5 से 5 कट गया, 3:2, कोई दिक्कत, पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 3:2। फ्रेंड्स ये हमारा हो गया इसका कुछ क्वेश्चंस जो हमने अभी करवाए, ये भी बेसिक क्वेश्चंस ही है, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, कुछ क्वेश्चन जो हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड से करवाया। दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी, जब भी किसी मैथ का मतलब भी होता है कि द मोर प्रैक्टिस यू डू द मोर बेनिफिट यू विल गेट, ठीक है, यानी कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे मैथ में या फिर रीजनिंग में उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। ये सारे रूल्स जो हैं वो रूल्स ऐसा नहीं है रटने वाला रूल है बस कॉन्सेप्ट बेस्ड, बस 2-4-5 बार आप क्वेश्चंस बनाओ, हर एक टाइप का क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन के लिए है कि आप कोई भी बुक फॉलो करो, जैसे मैंने पहले तो मैं कुछ और क्वेश्चंस जो सेलेक्टेड हैं वो, फिर ये जो अभी जो मैंने बताया ये सारे के सारे क्या हैं, ये एक बुक को फॉलो किया हुआ क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चंस बुक को फॉलो करके बनाऊंगी, लेकिन प्रैक्टिस आपको ही करनी होगी। आप देखोगे RS अग्रवाल के या राकेश शर्मा के जो बुक्स आते हैं या अरिहंत पब्लिकेशन के बुक आते हैं, उसमें क्या एक टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं। मैंने आपको बता दिया कि कौन से टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से बनाएंगे, लेकिन फाइनली उसे प्रैक्टिस करना ये आपके हाथ में है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप चाहे कितना भी रूल आपको बता लिया जाए, कितना भी कॉन्सेप्ट दे दिया जाए, पर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ ऐसा चीज़ है जो बहुत कम टाइम में आप फिर भूल जाते हो। इसलिए मैं आप लोगों से बोलूँगी कि आप प्रैक्टिस करो, अभी लॉकडाउन चल रहा है इस टाइम का आप अच्छे से अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन करो, ऐसा टाइम बहुत कम मिलता है अभी आपके पास, ना तो कहीं बाहर जाना है, कोचिंग जाने में जो आदमी क्या करता है पैसा टाइम हर चीज़ की वेस्टेज होती है, आप कोचिंग जाते हो आने जाने में टाइम, आने जाने के पहले टाइम लगता है, बाद में आने के बाद थकान होती है, जितना टाइम ये सब लगता है, यानी जितना हम सिर्फ क्लासेस आने जाने में टाइम लगा सकते हैं, सिर्फ उस आने जाने के टाइम को अगर हम रिवीजन के लिए यूज़ कर लें तो फिर बहुत ही आगे बढ़ जाओगे आप, बहुत
अच्छा होगा। और ये जो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, ये इसे आप पॉजिटिव तरीके से लो और फिर इस तरीके से अपना पढ़ाई कंटिन्यू करो। एक आप बना लो कि कैसे शेड्यूल बना लो, कैसे कब क्या कितना पढ़ना है, और उस तरीके से करो। मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो पढ़ाई की, कंपटीशन की तैयारी की स्टार्टिंग कर रहे हो, तो कभी आप शॉर्टकट भागो, कभी नहीं। आप हर एक चैप्टर से, आप देखोगे आर एस अग्रवाल वगैरह में करीब 100-150 क्वेश्चन दिए होते हैं, एक एक टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन दिए होते हैं। उससे बोर नहीं होना है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करते करते देखोगे कि पहला क्वेश्चन अगर सॉल्व करने में आपने 10 मिनट का समय लगाया है या 5 मिनट का समय लगाया है, तो आप लास्ट क्वेश्चन आते आते एक मिनट पर आ जाओगे। यानी कि प्रैक्टिस के कारण क्या होगा कि आपके माइंड में बिल्कुल वो सेट हो जाएगा कि कैसे बनाना है, क्या करना है। फटाफट क्वेश्चन देखते के साथ आप जवाब देना स्टार्ट कर लोगे। इसलिए मैं फिर से आप लोगों से बोलूँगी, प्लीज़ ये जो अभी टाइम है, ये गोल्डन पीरियड है जहाँ पर आप अपना टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो। कहीं आना जाना नहीं, अभी कहीं बाहर आना जाना है भी नहीं। नॉर्मल डेज में क्या होता था कि हम दोस्तों से मिलने चले जाते थे या फिर क्लासेस वगैरह के चक्कर में पड़ते थे। अभी तो आपके पास ऐसा कुछ है ही नहीं, बस घर में बैठे रहो। अगर 6-7 घंटे भी आपने पढ़ाई कर ली 24 घंटे की, इतना मोर देन सफिशियंट है, इतना में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और हाँ, पढ़ाई कर ली का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप बुक लेकर के बैठ जाओ और सिर्फ दिखाने के लिए आप एक साइड बुक आपने रख लिया, एक साइड मोबाइल रख लिया और एक साइड गाना चला लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप पढ़ाई करना है तो कॉन्सेंट्रेट करके फिर पढ़ाई करो। कॉम्पिटिशन आज के डेट में बहुत टफ है और लॉकडाउन के कारण आपको पता चल गया होगा कि एक गवर्नमेंट नौकरी की क्या वैल्यू होती है। तो आप प्लीज़ अभी भी फोकस करो अपने पढ़ाई पर और उसके बाद आप अच्छे से ध्यान देकर पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो जितना मैक्सिमम हो सके। 1 साल का आपका प्रैक्टिस आपका लाइफ सेट कर देगा। चलो ठीक है, आप लोग देखते रहो वीडियो, अगर पसंद आए तो लाइक करो। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट करो या फिर ये भी बताओ कि क्या पसंद आया, क्या सुधार करनी है। और अगर आपको पसंद नहीं है ऐसे सेंस में आप डिसलाइक करो, लेकिन डिसलाइक करने के साथ एक ये रीज़न ज़रूर बता देना कि आपने डिसलाइक क्यों किया है, जिससे कि मैं इम्प्रूव कर सकूं और आपके जो साथी लोग हैं जो इस लेक्चर को देख रहे हैं उन्हें इम्प्रूवमेंट के साथ अगर लेक्चर मिलेगा तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। साथ ही साथ अगर आपको ये पसंद आ रहा है वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे कि जो भी पढ़ाई कर रहा है उसके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाए, उन्हें भी कुछ हिस्से प्राप्त करने को मिले। ओके, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।